गाइस आपको होमवर्क दिया गया था, क्वेश्चन वन एनी वन, टू एनी वन, एनी सब पार्ट, थ्री, फोर, विच वन, सॉरी सॉरी विच वन, थर्ड वाला बेटा, नहीं थर्ड वाला, सेकेंड वाले का सेकेंड, एक सेकंड तू मुझे बता, तूने यहाँ पे शायद माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन माई यानी प्लस सिक्स हो रहा होगा जरा, तो हाँ वो भी ठीक है, माइनस सिक्स ग्रेटर देन टू एक्स, आगे क्या किया तूने, अब ये टू को यहाँ पे डिवीजन के लिए भेज दे, साइन नहीं पलटेगी, क्यों नहीं पलटेगी साइन, ये पॉजिटिव नंबर से टू डिवाइड कर रहा है, ये ऐसा हो गया, मतलब हो गया माइनस थ्री इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब एक्स इज लेसर देन माइनस थ्री, खत्म। इसको देखो अगर इसमें लिखना है इंटरवल में तो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस थ्री, और माइनस थ्री इंक्लूडेड नहीं रहेगा उसके अंदर। सो गाइस देख देखो, एक है ना कॉमन कन्फ्यूजन है, सर फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री से छोटा होना चाहिए, तो माइनस टू होता नहीं, माइनस थ्री से छोटा कौन सा आता है नंबर, गलत, माइनस थ्री से छोटा नंबर माइनस फोर नहीं है। अरे यार बहुत सारे नंबर है माइनस थ्री और माइनस फोर के अंदर, इसको आप लोग ऐसे मत लिख देना माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर और ये इंक्लूडिंग, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये मत सोचना आप लोगों ने, क्यों देखो समझाता हूँ मैं, देखिए माइनस थ्री था, ये माइनस फोर था, यहाँ पे इन्फिनिटी था कहीं, तो देखते को आंसर ये बोल रहा था, ये सही आंसर है, अगर तूने मान लिया आंसर को ऐसा कर दिया तो तूने जो बीच के जो नंबर से बच्चा ये सब तो तूने उड़ा दिए जो अलाउड थे, समझा, तुझे आदत या सबको आदत क्या होती है इंटीजर मानने की, इंटीजर की बात हो ही नहीं रही ना बेटा, माइनस 3.00001 भी तो इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, इसलिए उस ब्रैकेट को मतलब ऐसा आंसर छोड़ते हैं ना कि ऐसा, ठीक है। थर्ड एनी वन, फोर्थ एनी वन, फिफ्थ एनी वन, सिक्स्थ एनी वन, सेवेंथ एनी वन, ये सेवन, ओके बापरे बापरे, नाम ही सत्यर्थ एंड स्वरित आर ब्रदर्स, ओन द हाउस विच इज वर्थ ये एंड ये ओन द फार्म हाउस विच इज वर्थ ये, बट हैज द डेथ ऑफ ये, इफ दे बोथ सेल द प्रॉपर्टी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू टू रिप्रेजेंट द डेटा मैथमेटिकली। देखो ओए, पहली बात तो इसको 3 करोड़ मिलेगा जिसमें से अब उसकी नेट वैल्यू पूछी गई ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ नेट वर्थ पूछी गई, हाँ तो देखो पहले भाई की नेटवर्थ 3 करोड़ में से 55 लाख गए कुछ भी, 2.45 CR हो रही है ये भाई, सॉरी क्या है दूसरे भाई की है 2.75 CR, तो ये तो मेरे साथ गलत है, ठीक है ना, ये ट्रू है और ये तो भगवान कसम ट्रू है, बी और सी आंसर हो रहे हैं, मेरे को ये समझ में, तुमने क्वेश्चन पूछा क्यों, ये क्या था क्वेश्चन बेटे, वो नाम में कंफ्यूज हो गए बाप रे, नहीं नहीं मेरे को लगता है इसका नाम क्या है, शिफा, शिफा ने पढ़ी सत्या स्वारत, छोड़ो अच्छा क्यूट क्यूट ना होते तो ठीक है, मैं बोला नाम पढ़ के छोड़ दिया, भाइयों के झगड़े नहीं देखने मेरे को, चलो ओए अब एक सेकेंड गाइस बिफोर गेटिंग ओवर टू एट, गाइस शान शान शान, ओए 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 प्लीज प्लीज, अच्छी बात है तुम लोगों को अगर आया है तो, और बहुत अच्छी बात है अगर छाप के आए हो तो, ठीक है ना, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना अच्छे से याली, अब सुनो बिफोर गेटिंग टू एट प्लीज मुझे कोई बोलो किसी को क्वेश्चन नंबर 6 में इश्यूज है क्या, एग्जाम्पल 6 आई मीन सॉरी एग्जाम्पल 6 में कोई चाहता है तो मैं बताऊँगा एक बार, यस अब देखो मैं जस्ट तुम्हारे को 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, हाँ एग्जाम्पल 8 बोल रहा है क्या, अब वो मैं फिर पूरे बताऊँगा रुक अभी, गाइस एक बार सुनो ओए, मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा उसके एग्जांपल फिर 6, 7, 8 जितने भी है वो, बस पहले एक बार ये चीज़ समझो कि आप लोगों को अगर 2 नंबर दिए गए हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन होता है एक्स प्लस वाई बाई टू, 3 नंबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, अगर 4 नंबर है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, इट विल गो ऑन ऐसा, एक सेकंड क्या एक संग
हाँ देखो अब ओए ये समझ में आ गया आप लोगों को, दो नंबर का अरिथमेटिक मीन, जो भी बोल रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट चीज़ सुनो, अब अगर तुम लोगों को इनका ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं, ठीक है ना, दो नंबर के लिए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, तीन नंबर के लिए हो जाएगा एक्स वाई जेड का क्यूब रूट। बेटा क्यूब रूट है, 3 × नहीं है, ठीक है ना, कल शायद मेरी हैंडराइटिंग में कन्फ्यूजन हुआ हो तो मुझे पता नहीं है। और ये जाएगा फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, और ये कुछ नहीं लिखा है, मतलब स्क्वायर रूट मतलब 2 लिखा हुआ है, फेयर इनफ ये चीज़ों का। अब देखो नेक्स्ट है बच्चा लोग, एग्जाम्पल नंबर 6 का इतना, यानी एक बार ये समझ में आ गया आपको कंसेप्ट क्या बोल रहा था मैं। अब देखो आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, फाइन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों को एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, फाइंड द लीस्ट वैल्यूज ऑफ दिस दिस एंड दिस, ऐसे दिस इंटू दिस बोला गया है, ठीक है। अब देखो पहले पॉजिटिव नंबर जो है वो बहुत काम की चीज़ है, आपको बताता हूँ क्यों, फाइन। नेक्स्ट चीज़ ने डिस्टिंक्ट बोला है क्या, नहीं डिस्टिंक्ट नहीं बोला है ना, तो आपका अरिथमेटिक मीन्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी लगाना। अगर डिस्टिंक्ट बोला है तो उस समय पर अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन चलेगा, फाइन। अब एक बार ये ध्यान दो, सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई, ये दो नंबर से लगा रहा हूँ मैं, फाइन। तो एक्स एंड वाई का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। फिर वैसे ही मैंने अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाया फॉर वाई एंड जेड, y प्लस जेड अपॉन टू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है बेटा, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर x एंड z, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस जेड अपॉन टू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स जेड। ये 1, ये 2, ये 3। अब मैं तीनों इक्वेशन को इसीलिए मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर्स बोले गए थे, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर से एक्स पॉजिटिव प्लस वाई पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव अपॉन टू भी पॉजिटिव रहेगा, एलएचएस पॉजिटिव है मेरा, अंडर रूट तो किसी का भी पॉजिटिव ही आंसर आता है, मेरा आरएचएस भी पॉजिटिव है, दैट विल गो ऑन ये तीनों इक्वेशंस के इसमें, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर पाता हूँ। तो मैं तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो कोई समझ जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वो 2 × 2 मिला के 8 था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तब देखो ये एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 8 को वहाँ पे ट्रांसपोज कर रहा हूँ। पहले मुझे बताओ क्या मेरी साइन पलटेगी क्या, क्यों नहीं पलटेगी, पॉजिटिव नंबर है वो, तो ये 8 का 8 रह गया। अब देखो ये एक्स एक्स बन जाएगा क्या मेरा, एक्स स्क्वायर, वैसे ही वाई वाई बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सा, ठीक है। अब देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है मेरा, x, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर बन जाता है y, अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर बन जाता है z, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz हो जाती है। यहाँ तक ये फुद्दू चीज़ें चल रही थी अपनी लाइफ की, फेयर इनफ। अब आगे प्लीज़ समझो ये चीज़ का। अब देखो अब जैसे ये हो गया है, आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी होने वाली है अगर पूछा गया है, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 8xyz। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये वैल्यू का आंसर या तो 8xyz या उससे बड़ा होगा ऐसा बोला गया है मुझे, तो सबसे कम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 8xyz पॉसिबल है, इसीलिए आंसर उसका 8xyz मिनिमम वैल्यू हो रही थी, फेयर इनफ है यहाँ तक के का। अब आप लोग प्लीज़ एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 7 देखो, ये फुद्दू सा था यार, इसने आपको सेटिस्फाई करके दिखाना था, तो आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकाला इसका वो आ गया आप लोगों का 10, ज्योमेट्रिक मीन निकाला आ गया 8, आपने कहा दिया हाँ अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब 7th वाला था सॉरी, अब 8th वाला देखिए बच्चा लोग, अब स्टार्टिंग में एकदम से गैस कर पाना है कौन से नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, गेट्स अ लिटिल ट्रिकी, धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अगेन ए बी एंड सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, डिस्टिंक्ट बोला है क्या, नहीं, तो बस पहले देखो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वो बनाने के लिए मैं लगाया अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मीन फॉर ए बी और सी, तीन नंबर से लगाया मैंने, ठीक है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट, कृति क्यूब रूट लिखा है बेटा वो, ठीक है ना, ऑफ ए बी सी। अब देखो अब ये वाला जो था, अब इसके लिए ना मैंने ए बी को एक टर्म माना है, बी सी को दूसरा और ए सी को तीसरा, तो मैंने वहाँ पे लगाया अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मीन फॉर, पहला टर्म मेरा ए बी, दूसरा टर्म है बी सी और तीसरा है ए सी,
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी द होल अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बेटा ए बी तो ए बी है, ये बी सी और ये ए सी, शांत हो जाए यार शांत, ठीक है। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सा, ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा था, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव सी है, कोई इशू नहीं आने वाला है, तो वो ए प्लस बी प्लस सी और ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन थ्री मिला कर जाएगा नाइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो ये क्यूब रूट ऑफ ए बी सी था, वो दूसरा था क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर देखो आप लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ ए है इनटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ये अगर क्यूब रूट हो तो डायरेक्टली क्यूब रूट ऑफ ए भी लिख सकते हो, बट अगर क्यूब रूट ऑफ ए इनटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हो, तो अपने को वो वाला इशू तो आया ही नहीं सर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो ये क्यूब रूट और क्यूब रूट ही था, तो अपन सिंपल सा मल्टीप्लाई कर पाए, अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे इज ग्रेटर इक्वल्स टू, तो ए इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा ए क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर बन जाएगा बी क्यूब और ये बन जाएगा सी क्यूब, ठीक है। तब देखो ये इनका क्यूब रूट बन जाएगा ए बी सी, वहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नाइन था वो यहाँ पे आ गया, फिर वही ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, वो जब मिनिमम वैल्यू नाइन ए बी सी हो जाएगी इसकी, कहाँ से नहीं समझा देखो, नहीं ब्लैक वाले इसमें से रेड वाले से ब्लू ये वाला, ये ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, सी इंटू सी हो गया सी स्क्वायर, खत्म। उसका क्यूब रूट था इतना मैं बाहर नहीं निकाल पाया, एक समझ गया मैं गलती से क्यूब रूट लिखना भूल गया सॉरी, ठीक है समझाया था कभी। फिर देख मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था आर एच में, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बना है, तो ये ए इंटू ए स्क्वायर हो गया ए क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया बी क्यूब, सी इंटू सी स्क्वायर हो गया सी क्यूब, मेरे को नहीं पता तू कौन सा दो बोल रहा है, इक्वेशन वन और टू को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बना, ए क्यूब का क्यूब रूट होता है बेटा ए, बी क्यूब का होता है बी और सी क्यूब का होता है सी, और जो नाइन था वो मैंने ट्रांसपोज कर दिया बिना साइन चेंज किया, तो उससे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। याद है किसी को कोई इशूज है पक्का? अब गाइस एट का ए सब पार्ट आई एम होपिंग कोई ना कोई पूछे, हाँ ठीक है, किसको आया है? फाइन, क्या किया है जिनिशा? बाप रे गुस्सा नहीं बेटा गुस्सा, अब सुनो ओए कुछ भी नहीं है वो, तुम लोगों ने पहले क्या किया वन और ए स्क्वायर के लिए लगा दिया क्या अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। अरे देखो यहाँ पे दिया हुआ है देन प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी, 99.9% चांस है तुम्हें स्कूल के एग्जाम में तो देगा नहीं हो, बोर्ड में भी नहीं देना चाहिए उसने, ठीक है ना। तब देखो पहले इसके लगाया मैंने तो अरिथमेटिक मीन क्या जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ वन इंटू ए स्क्वायर, तो वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ए, तो वन प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टू ए, ये पहली इक्वेशन आई। एग्जैक्ट वैसे ही आप लोग जब दूसरी करोगे तो वन प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू टू बी हो जाएगी, ये दोनों इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस ए स्क्वायर इंटू वन प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू फोर ए बी हो जाएगा। समझा जाए क्या चल रहा है पक्का? एक बार के लिए अपन लोग तीनों देख लेते हैं, रादर नाइन्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर मैं टाइम दे दूंगा जिन लोगों का कोई अगर नहीं आया था तो। एनी वन वैसे सेकेंड सब पार्ट कंपेरेटिवली ईजियर था, बट स्टिल एनी वन विथ एनी क्वेरीज फॉर सेकेंड सब पार्ट मैं करके दिखा दूंगा। यस देखो कुछ नहीं, यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर के लिए पहले अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मीन लगाएगा तू अगर, तो यह जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर ए, वो ए स्क्वायर इंटू ए बन जाएगा बेटा ए क्यूब, वैसे ही बी क्यूब सी क्यूब, वो बाहर निकल के ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन इक्वल थ्री को वहाँ भेज दिया है ए बी सी हो गया, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ बेटा जब तू यहाँ करेगा तो उससे भी वही आ जाएगा आंसर, बढ़ा सकता हूँ आगे। एनी वन फॉर
लास्ट सब पार्ट उसका एट्थ का थर्ड सब पार्ट कैसे आ गया यहाँ? हाँ वो हाँ वो ठीक है, मतलब आप आ गए एकदम से अपने आप। देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं बेटा, वो तुमको ये पता है क्या, ए प्लस बी, अगर मैं ए और बी में लगा रहा हूँ तो ए प्लस बी अपॉन टू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा मेरा। फाइन, ए प्लस बी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब जस्ट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, अगर x एंड y पॉजिटिव नंबर्स है और अगर x इज ग्रेटर देन y तो एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन वाई स्क्वायर होगा और इसका वाई सा वर्सा भी ट्रू हो जाएगा कि अगर x और y पॉजिटिव नंबर्स है, अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब नहीं, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, सिंस a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, हैंस अगर ये हो रहा है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने का a प्लस बी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ए बी हो जाएगा। फाइन डे लिया, हाँ वापस से ए प्लस वो भी कर सकता था, तू करता था a माइनस बी होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था तेरा, बट अनफॉर्चुनेटली उसने ये लिखा हुआ है वहाँ पे एग्जाम में लिखा हुआ आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो एक बार मैं प्रॉपर्टी एक बार समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, प्रॉपर्टी सेज अगर x और y मेरे पॉजिटिव है तो इफ़ x इज ग्रेटर देन y देन x का स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन y का स्क्वायर, ठीक है, और उसका वाई से वर्सा भी ट्रू है, इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर देन x विल बी ग्रेटर देन y, ये प्रॉपर्टी है। तो तुम्हारे को ये पता था a और b यहाँ पे क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर्स है तो a प्लस बी अपॉन टू उसका अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू उसका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। पार्ट होमवर्क किया है कोई बात नहीं, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। फेयर एनफ भाई, ये ज्योमेट्रिक मीन है उसका। अब ये 2 को वहाँ भेजा मैंने, ये आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स खत्म, ठीक है, समझा गया, वो हो गया बेटा। जिन जिन के 8 के कोई सब पार्ट्स नहीं आते फटाफट एक बार सॉल्व करना शुरू कर लो सर। हाँ गोवा, अगर ऐसा दिया है माइनस एक्स, हाँ क्या माइनस एक्स, माइनस एक्स इज लेस देन सिक्स, हाँ तो एक्स विल बिकम ग्रेटर देन माइनस सिक्स, दोनों जगह माइनस वन मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने। एक बार लिख के दिखाओगे क्या ये क्या लिखा है मैंने? वही तो लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, माइनस वन मल्टीप्लाई का साइन पड़ गया बेटा उसका, ठीक है। हाँ बोल, रुक रहे क्या पास हो गया क्या? तेरा भरोसा नहीं है, तेरे पर भरोसा नहीं है मेरे को, सकता है तू पेपर के मार्क्स दिखाएगा नहीं मेरे को, वो मेरे को नहीं पता, तेरे लास्ट टाइम ही ना 100-100 मिलते थे। हाँ बेटा बोल सर, सेकंड सब पार्ट में एक ब्रैकेट से सॉल्व किया तो चलेगा ना? पहले इसको अलग से करना पड़ेगा, फिर इसको अलग से करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी तो कर ले कम से कम। क्या लगाऊं मैं मम्मी का फोन? सर एक बार सेकंड वाला फिर से बताओ ना। देख बच्चा, पहले a स्क्वायर b, b स्क्वायर c और c स्क्वायर a में अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगा रहा हूं मैं, ठीक है,
वो ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर ये जब खोलेगी तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का क्यूब रूट रहेगा जो कि ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये थ्री वहाँ पे भेजना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक है, थैंक यू। वैसे दूसरे हाल में करना पड़ेगा। ईवीएम मंडे को आएगा पेपर है सीपीएस। फ्राइडे बेटर है सैटरडे बेटर है कि संडे बेटर टेस्ट के लिए? फ्राइडे। हाँ सुनो, न्यूमेरिकल इनक्वालिटी तो आ गई। अब सुनो, ओए ओए ओए, मेरा पेपर करेक्शन होना शुरू हुआ नहीं है, बट आई एम प्लानिंग कि जो पहले वाला जो थे चैप्टर, इसका पहला जो चैप्टर था, उसका कोई एक वाला टॉपिक अपन उतार लेंगे। नहीं लेंगे, मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो अपन सबसे पहले सिंपलेस्ट वाला ले लेते हैं, मॉड्यूलर सबसे बोर है, तो तुमको लग रहा है वो सिंपल है, ठीक है फाइन, मॉड्यूलर अरिथमेटिक ले लेते हैं, फाइन। तो वो प्लस जितना न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी का हुआ है वो, और सुनो ओए 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 प्लीज बस किए थी देना, बस ये अच्छा मौका उन लोगों के लिए जिन लोगों का फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ है या उन्होंने टेस्ट में पढ़ाई नहीं किए थे। तेरा ये वाला हुआ हुआ है टेस्ट, मॉड्यूलर अरिथमेटिक अटेंड किया हुआ है। हाँ, और किसी को कोई इशूज अगर है मॉड्यूलर अरिथमेटिक या कोई भी पार्ट के अंदर, तो मैं 3:15 बजे यहाँ पे आता हूँ, आप लोग अगर मुझे बताओगे और आ जाओगे तो उन लोगों को मुझे 5-10 मिनट पढ़ाना पड़ता है, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा या कोई क्वेरी क्लियर कर दूंगा, या वीडियो से आप कर रहे हो तो वो भी अवेलेबल है, आप मुझे कम्युनिकेट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। विल कंटिन्यू दिस, ये नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स में टेस्ट हो रही है विल इंक्लूड अ कपल ऑफ टॉपिक्स और वन सिंगल टॉपिक, ऐसा करते हैं, ठीक है? और ये पेपर जो मैं 1-2 दिनों में आपको देने का, रिटर्न करने का कोशिश करता हूँ। चलो हो गया कहीं से, थोड़ा फास्ट कीजिए प्लीज। तूने क्या किया है, तूने ये वाला यही ना, तूने क्या किया होगा बोल, मैं वैसा करता हूँ आगे फोर्थ स्टेप क्या कर देगा तूने। हाँ फाइन, तो जगह एक्स प्लस 2 होल बाई 2, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और 0 कर सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा। जो सीख लिया तूने यहाँ पे, सीख लिया गलती पे वो गलत है, तब इसको सिक्स लेना है इधर को अगर मान ले। अच्छा फिर ठीक है भाई, तीन बातें मत करो, 2x/6 इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन प्लस 6/6 ना, वो गलती है, ये 6/6 काट सकता है तू बिना साइन को पलटा आए हुए। क्यों बतरा, आगे देखना है यार। हाँ तो आगे देखना, अगर हो गया तो फिर पीछे पर ऐसे देखेगा, शांति से आगे देखना। अब भाई ओए, अब 9th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एनीवन विद क्वेरीज? यस। अब देखो, आई एम नॉट श्योर इसका वैसे क्या क्या तरीका है निकालने का, मेरे को जो एक तरीका पता है, मुझे लीस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी पूछी गई है तो मैं उसको x² + 361/x ऐसा मान रहा हूँ, और x² / x का मतलब हो जाएगा x
प्लस 361 अपॉन एक्स, यहाँ तक है ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि बेटा मैंने x एंड 361 अपॉन x के बीच में लगा दिया, वो क्या कहते हैं अपना अरिथमेटिक मीन एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स ज्योमेट्रिक मीन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 361 अपॉन x द होल बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 361 अपॉन x, ये x x कट जाएगा। ये देखो ये बन जाएगा x प्लस 361 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, अंडर रूट ऑफ 361 होता है 19, तो 2 इंटू 19 हो जाएगा। जिनको नहीं समझ रहा है देखो एक बार के लिए वो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 361। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 19, तो एक्स स्क्वायर प्लस 361 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 38। समझे जी क्या हुई है? श्योर? तो ये नंबर की वैल्यू या तो 38 के बराबर है या 38 से बड़ी है। मैं जैसे एक से क्यूरियोसिटी में पूछ रहा हूँ, ये 38 के बराबर कब होगी? करेक्ट, कौन से दो डिस्टिंक्ट नहीं हो गए? नहीं नहीं तू बोल, तू एक्स एंड नहीं गलत, परफेक्ट बेटा। देखो ये इक्वालिटी साइन तभी लगती थी जब आप लोगों के नंबर्स सेम रहते थे, ठीक है ना। कौन से नंबर्स? जिनके बीच में आप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला लगा रहे हो। तो अगर x और 361 अपॉन x इक्वल हो गए तभी ये प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड करेगी कि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, इक्वल टू आता तभी है। फाइन, चलो वो वैसे पूछने नहीं वाले बट चल। हाँ लिखेंगे ना, अपना इक्वालिटी चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगी 38। हाँ वो भी सही है, नहीं एक्स स्क्वायर और 361, एक्स स्क्वायर प्लस 361 का एक माना है तूने, हाँ रुजा एंड वन अपॉन एक्स इसके बीच में लगाया तूने। तो डिवाइड किया तूने, तो वन बाई एक्स में कैसे लगाया तूने? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हेट, वो कुछ निकालने का कोई तरीका नहीं है, वो देखना ही पड़ेगा। 19 का आ रहा है वो, ऐसा 19 हो रहा है। हाँ अच्छा देख, पहले तो बेटा ये जो मेरे को दिया हुआ था इसको मैंने ऐसे लिखा, ये समझा तुझे? x प्लस वाई अपॉन टू अगर है तो उसको x अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू लिख सकते हैं, पता है तुझे? यानी अपन यहाँ से यहाँ जाते थे हमेशा, इस पर उल्टा आया है, अपने 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 को दे दिया डिनोमिनेटर, तो वही चीज़ बेटा यहाँ से यहाँ जाते समय मैंने किया है, ठीक है। फिर ये एक x और ये एक्स वर्ग का कट रहा था तो उससे मैं यहाँ पर आ गया। फिर एक ये नंबर और एक ये नंबर मान लिया ए एंड बी, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक, फिर हो जाएगा तेरा। इक्वल हो गए जब तभी वो क्या हलते ऐसा हो पाएगा। हाँ क्या बेटा? बेटा वो जो डिनोमिनेटर का जो टू था ये वो मैंने ये यहाँ पे भेज दिया टू। क्या बेटा? गाइस शांत हो जाओ यार पीछे, एक काम युग उठ यहाँ पे बत्रा उठ, बत्रा उठ वहाँ पे जा, वहाँ पे जा माई बाहर निकल, उठ बाहर तो उठ, वहाँ से उठ पटानू, जहाँ बैठना है बैठ, वहाँ बैठ जाके पास। और कल से ये ना सेटिंग अरेंजमेंट मेंटेन करना तुम तीनों, ठीक है ना। बच्चे लोगों को मैं बैठाऊँगा तुम्हारे आजू बाजू में फिर ढूंढ के। क्या बेटा? ये जो था फिर मैंने एलसीएम ले लिया बेटा, उसके बाद में ये x अपॉन 1 रहेगा ना। अब गाइस ओए, हाँ हाँ अंदर सबसे अंदर गाइस, अब प्लीज सुनिए एक सेकंड गाइस, क्या चलिए गाइस अब सुनो।
ये पिछले दो एग्जाम्पल्स बचे हैं मुझे पता है, पर वो करूँगा तो मैं होमवर्क दे नहीं पाऊँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अब गाइस सुनो, अब प्लीज़ ध्यान दे, अब ध्यान दे बत्रा। अब गाइस अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए, आपका एक आंसर बोल रहा है x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दूसरा आंसर बोल रहा है x हैज़ टू बी लेसर देन 8, और दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देखो, अब इसको करने के लिए ना मल्टीपल तरीके होते होंगे, लोगों को यहीं से देख के समझ में आ रहा होगा कि 5 से लेके 8 तक के इसमें 5 इंक्लूडेड है, 8 इंक्लूडेड नहीं है, मेरे को नहीं दिखता था। इसका एक और तरीका होता है जो बाद में सिखाया जाता है तुम लोगों को, जो अब भी मैं सिखा दे रहा हूँ, फुद्दू सा है, कुछ नहीं, पहले एक नंबर लाइन बना लो। क्या क्या नंबर दिख रहे हैं तुम लोगों को? 5 और 8 दिख रहे हैं, तो नंबर लाइन पर जैसे 5 और 8 है कि वैसे लिख दो, ऐसा नहीं कि यहाँ 5 लिख दिया यहाँ 8 लिख दिया, नहीं यार, लेफ्ट हैंड साइड पर छोटा नंबर आता है, राइट हैंड साइड पर बड़ा नंबर आता है, ठीक है। तो ये देखो, तो मे बी कुछ ये 5 हो गया है, ये 8 हो गया है। पहली कंडीशन क्या बोल रही है? एक्स हैज़ टू बी इक्वल टू 5 या उससे बड़ा। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है? एक्स हैज़ टू बी लेसर दैन 8। अब ये दोनों का ओवरलैपिंग कहाँ हो रहा है? तो वो इतने पार्ट में हो रहा है भाई लोग। तो इससे आंसर क्या आ गया अपना? एक्स विल बिलोंग कौन से इंटरवल में? 5 से लेके 8। 8 इंक्लूडेड है क्या? नहीं। समझा चीज़ क्या हुई है? एक बेसिक तरीका इस चीज़ का। तो अब देखो, अब अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 देखूंगा, उसने दो कंडीशन दिया है, दोनों को साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये वाली कंडीशन 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट ये वाला 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7, 2x इज ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 5। दोनों को साइमल्टेनियस करना था सेटिस्फाई, ठीक है। लोगों को दिख गया होगा ओरली, सर 5 से लेके इन्फिनिटी है, नहीं दिख रहा अपने को, कोई बात नहीं। अपने नंबर लाइन अपने लिए बनाई 2 5, पहला कंडीशन है 2 या उससे बड़ा, दूसरा है 5 से बड़ा, ये हो गया है। तो x विल बिलोंग फ्रॉम, कहते हैं नहीं, x विल बिलोंग, हाँ ठीक है भाई, कहते हैं 5 टू इन्फिनिटी वाले इसमें कोई भी इसमें आ जाएगा, यानी वही x इज इक्वल टू बोलना चाहिए, बिलोंग टू नहीं ये, या फिर x इज ग्रेटर देन 5, आप ऐसा भी लिखोगे चल जाएगा। समझाई चीज़ क्या हुई है? एग्जाम्पल 1 2, बस पहले 1 और 2 ही करोगे, फट से करो बस। बट आप लोगों के करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं 4 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों को पहले तो निकाल, एक माई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दूसरा माई एक्स इज ग्रेटर देन 5। मैंने दो अलग अलग कंडीशंस थे उनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना था, नंबर लाइन पे मैंने लगाया, तो 2 और 5 मुझे नंबर दिख रहे हैं। पहला कंडीशन बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये पहले वाले का हो गया। दूसरा बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए ओपन ब्लॉक आया उसके ऊपर, और ये ऐसा, और फिर ये कॉमन सेक्टर ये दिख रहा है अपने को। फाइनल आंसर या सॉल्यूशन? माइनस 4 इंक्लूडेड है। गाइस अब वो एग्जांपल 1 2 मुझसे पूछो तो हाई लाइकली ये सब कुछ ना एमसीक्यू में पूछना चाहिए, और पूछा ही नहीं चाहिए एक्चुअली। ये आप लोगों को जो सब चीज़ें है ना, ये आगे के चैप्टर के लिए प्रिपेयर करवा रही है। सर हाँ बेटा, सर फर्स्ट एग्जांपल में 2 में फर्स्ट एग्जांपल में 2 में क्या होता है? इनफिनिटी नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्या क्या बोला, क्या बोला वापस बोल। 2 क्लोज ब्रैकेट में और इनफिनिटी नहीं ना बेटा, तो दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, मुझे दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना है बेटा। अच्छा ठीक है, नहीं वापस बोल, अच्छा लगा। हाँ बोल 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 बेटा। तो ये अगर तू करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ है, तेरा आंसर ये वाला हो रहा है, इतना। ये ओवरलैपिंग थोड़ी है, वो सिर्फ पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है।
क्या बेटा थर्ड वाले में यस वैसे मैंने तो जम रहा है तो करना शुरू कर लेटा उनका सोल्यूशन मत देख तू ये इसकी बात करना तू तो माइनस थ्री एक्स वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तो माइनस थ्री से डिवाइड किया दोनों जगह मैंने इसलिए साइन पढ़ी थी माइनस से डिवाइड होता इसलिए समझा वैसे ही जैसे ऊपर अपने बनाया था ये देख माइनस फोर है और एक फोर है ये इससे लेसर होना चाहिए था पहले वाले से दूसरे वाले से या तो ये या उससे लेसर इसका ओवरलैपिंग इतना आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर और ये इंक्लूडेड चलो अब गाइस ओए थर्ड एग्जांपल ही फुद्दू सा ही है कोई स्ट्रेसफुल नहीं है वो क्या है पहले इतने को सॉल्व कर लो ठीक है तो वो क्या हो जाएगा टू वाई माइनस थ्री इज लेस दैन वाई प्लस टू इधर उधर किया तो वाई इज लेस दैन फाइव ये पहला हो गया फिर इतने को सॉल्व कर लो तो y प्लस टू इज लेस दैन इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस फाइव तो माइनस टू वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू थ्री तो y इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू ठीक है तो अब देखो मैं नंबर लाइन पे बना रहा हूँ एक माइनस थ्री बाई टू है एक फाइव है पहला बोल रहा है इससे कम होना चाहिए दूसरा बोल रहा है या तो ये या इससे बड़ा तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू से लेके फाइव बट फाइव पे ओपन ब्रैकेट समझे जी क्या हुई है तू यार जब मैं समझा रहा था तब तू लिख रहा था और मैंने देखा वही तो मैंने देख रहा था तू लिख रहा था इसलिए मैं डिसाइड करना तो समझाऊंगा नहीं इस बार में ठीक है ना नहीं सॉरी नहीं आई एम सॉरी दिस टाइम मैं सौ बार बोल चुका हूँ टाइम देता हूँ कुछ भी नहीं है पहले लाल का जो बॉक्स बना है वो करना है सॉल्व अपने को ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी जैसा है तो ए इज लेस देन बी को पहले सॉल्व करो फिर बी इज लेस देन सी को करो वो देखो सर नंबर लाइन का शायद से बाद में उसको इंक्लूड करके आंसर दिखाना बताया है अपन आंसर दिखाने वाला नहीं सीख रहे थे सिर्फ अपन लोग यहाँ से वो आंसर दो इंटरवल्स को कैसे ओवरलैप कर सकते हैं वो सीख रहे थे सर हाँ बेटा जब जो हमारे दो आंसर्स आते हैं एंड जब ही नंबर लाइन पे कोइंसाइड करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही ब्रैकेट दिखाना ऐसा जरूरी नहीं है बेटा देख जो तू बोलना चाहिए शायद से उसका सल्यूशन ये हो सकता है कि मान ले ऐसे कुछ नंबर्स हैं मेरे टू फाइव एट नाइन पहले वाले का इंटरवल कुछ ऐसा था और दूसरे वाले का इंटरवल कुछ ऐसा हो रहा था मान ले कुछ ऐसा हो रहा था मान ले तो अब देखा जाए तो इसका इंटरसेक्शन ये और ये हो रहा है तो वो हो जाएगा सॉरी टू तो इंक्लूडेड रहेगा नहीं मेरा टू से लेके फाइव फाइव इंक्लूडेड है यूनियन सेवन इंक्लूडेड है से लेके एट इंक्लूडेड नहीं है बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी आने का है ये एलपीपी वगैरह के समय पे शायद से आता है पर कभी ना कभी तो आता ही है ये समझा चीज़ क्या हुई है ये सर एक बार एग्जाम्पल नंबर टू के मेरे आंसर आ गए अब मुझे उसका ऐसे नंबर लाइन पे समझाओगे एक बार ये देखा तो नंबर लाइन पे आई थिंक ये बना हुआ है हाँ 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 हटा दूँ ना बेटे निवेदिता हटा लूँ बेटा उसको स्क्रीन से यस सर हाँ गाइस थर्ड फट से रैप अप करो बस इतना ही करते हैं अब गाइस सुनो ओए गाइस
आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक के, ठीक है ना। अब सुनो बेटा, कल का सेशन इम्पॉर्टेंट है, उसमें अपन वर्डेड प्रॉब्लम करने वाले हैं, बट वर्डेड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले अपन वो जो ऊपर के दो फुद्दू से क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो करेंगे, ठीक है।